बिहार के गया जिले के अंतर्गत थाना कोच क्षेत्र में बीते माह एक प्रेमी जोड़े ने शादी रचा ली तो लड़की पक्ष के लोगों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने लड़के के गांव मुरार बेगहा में रहने वाले कुमार समाज के लोगों पर हमला बोल दिया। हमले में कई लोग लहू लुहान हो गए तो वहीं कई लोगों को बिजली के खंभे से बांध कर मारपीट की गई जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं थाना कोच के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की बजाय मामले को लेकर मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। मारपीट हमके पूरा कुम्हार ने मारपीट किया है। कौन किया था? जादव लोग। कहाँ के लोग थे? जादव लोग है मुरार विभाग के है। किस लिए मारपीट किया गया था? मेरा जात था जो उसको ही जाम लगाया। लड़की वो भगा के नहीं ले गया है। वो पहला ही लड़का चला गया। ओकर बाद में 8 बजे के बाद में लड़की के वही भगा दिया है। और भगा के मनो अपना घर वाली और भगा के लड़की के और इजाम हमने के लगा दिया कि लेके भाग गया। तब हमने के मारने लगा। ओका जब आप लोग के साथ मारपीट किया गया तो थाना में सूचना दिए थे? हाँ दिए थे। बाकी थाना ने सूचना दिए थे, बाकी थाना भी कुछ नहीं भी किया। केस हुआ था। अच्छा, थाना से नहीं हुआ था। अच्छा, तो फिर कोर्ट से केस हुआ। वो थाने से किया है जी। हाँ, और पौल ने बांध के मारा था आप लोग को? नहीं, मेरा परिवार पूरा मनो अथी के कुम्हार समाज कुम्हार को मारा था। सब पहले मर्द के मारा था, ओकर बाद ने सब लेडीज के मारा था। कब घटना घटा है? घटा 2002 तारीख को, छठा महीना 2 तारीख को। हाँ, इसी साल। हाँ, तेईस में। तो अभी आप कहाँ आए हैं? अभी तो वो तिहड़ी भगा दिया था मारपीट के। तो हम लोग 15 रोज इन्हें उन्हें रहे थे और फिर जजे के ज़्यादा मार था से पहुँच तो सब गए मार था से। बाकी 4 गो के रेफर कर दिया, ज़्यादा मार था। कहाँ चले गए थे लोग? हम लोग अस्पताल चले गए। 4 गो रेफर कहाँ हुआ था? अस्पताल में आए थे गया। हाँ, अब तो बोलें कि जे अच्छा हम लोग देखते हैं, अभी तकला इतना हो गया है 2 महीना, अभी तकला कोई पुलिस जा नहीं रहा है, कोई जांच नहीं कर रहे हैं। एक तुरी गए 2 बार हमको आदमी जांच यहाँ से आदमी गए थे जांच करने के लिए, जांच भी किए हैं और फिर अभी नहीं कोई। उन लोग तो रोज़ हम लोग के गाली देता है, धमकी देता है, रोज़ बोलता है कि इसको उठा के ले भागेंगे तो मारेंगे पीटेंगे। हम लोग के बहुत तरह से धमकी मिलता है, फिर भी कान में अंगूरी डाल के और डर के मारे हम लोग नुकल रहते हैं, कुछ बोलने नहीं जाते हैं, हटा रहते हैं, साइड रहते हैं, खाली बनाते हैं, खाते हैं, घर में रहते हैं और फिर हट जाते हैं जब गाली गलौज करने लगता है। कुछ तनी बात खातिर लगा के रोज आता है, धमकी देता है, रोज़ गाली गलौज कर। जो ज़्यादा लोग 5-6 गाँव से आदमी ला के हम लोग के मारपीट करवाए। कितने लोग आते हैं धमकी देने? धमकी तो देता है 1-2 आदमी। जैसे क्या नाम है उसका? राजू नाम है, मोहन यादव नाम है, और तो सबके नाम ही नहीं जाए। नानू नाम है। यादव समाज के लोग आए मुरार बीघा कोच में और इन लोग को बोले कि जो आपका एक समाज का एक लड़का है मुंटू, वो एक यादव की लड़की से शादी कर लिया। कैसे इसको पावर हुआ कि जाति यादव जाति से शादी करने का? इसलिए कि कुम्हार है जो दलित है, दलित नहीं अति पिछड़ा में कमज़ोर है, इसी के वजह से इन लोग ने बोला कि लड़की को 12-24 घंटा के अंदर वापस करो, नहीं तो पूरा कुम्हार समाज के बहु बेटी को घींच कर इज्जत ले लेंगे। सेकंड दिन उन्होंने फिर पहुंचाया 1 तारीख को। 1 तारीख को पहुंचने के बाद में जब इस तरह की धमकी मिला तो आप थाना में सूचना दिया कोई वहां के लोग? नहीं, डर से ही लोग नहीं गए। नहीं, बोला कि यदि थाना जाओगे तो सारे कुम्हार को मार के बाथे वाला कांड कर देंगे, से मीरा विवाह सनार होगा। डर से इन लोग नहीं गए। फिर आगे क्या? फिर उसके बाद में अचानक दूसरे गाँव से 500 के अब इकट्ठा होकर आए। आने के बाद में नरेश प्रजापति नंदकिशोर प्रजापति को खंभे में बांध दिया और बांधने के बाद वहाँ घटने के बाद में और वो उनके घर के केवाड़ी तोड़कर
उन लोगों के बहु बेटियों को एक एक किलोमीटर तक खींच के ले गया अर्ध नंगे अवस्था में। उसके बाद में भी बोला कि तुम लोग थाना जाओगे तो जान मार देंगे। डर से इन लोग कहीं नहीं गया। 5 दिन के बाद में प्रेशर देने के बाद में थाना में थाना प्रभारी ने खाना पूर्ति की। क्या नाम था उनका? थाना प्रभारी का उमेश प्रसाद जी, कोच थाना, कोच थाना प्रभारी, खाना पूर्ति किए। और आज तक न थाना प्रभारी और न ही पुलिस के कोई वरीय पदाधिकारी उस घटनास्थल पर नहीं गए। 3 जुलाई को हम किसी तरह, हमको जब सूचना मिला तो मुरारबिगहा गांव हम गए तो लड़का के घर खुला था 1 महीना। उसके बाद में लड़का के घर पर लड़का के मामा ने ताला लगाया। 1 महीना तो पूरा खुला था। क्या सामान गया है कोई पता नहीं है। अभी भी लड़का का माँ बाप उस गांव से फरार है। उन लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग को हिम्मत कैसे हुआ यादव समाज से टकराने के लिए।